ओबीसी मोर्चा राजस्थान के प्रदेश महासचिव सत्यजी रतिवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को उपखंड अधिकारी घरसाना के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मूल ओबीसी की विभिन्न जातियों के गणमान्य नागरिक तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्ञापन से पूर्व श्री कुम्हार धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया तथा इस बैठक में मूल ओबीसी की विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार व राज्य सरकार से ज्ञापन के मार्फत उप समस्याओं के निराकरण की मांग भी की गई। आज पिछड़े वर्ग के तमाम घरसाना के हमारे जागरूक साथी, तमाम बुद्धिजीवी लोग जो ओबीसी के मुद्दे को लगातार सरकार के समक्ष अपना रख रहे हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होकर आज उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर के पीएम के नाम अवगत करवाए हैं कि हम सभी पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो बहुत प्रताड़ना झेल रहे हैं, हमारे लोगों के शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं है, इसलिए आप जो है जातीय जनगणना 2021 में हमारे लोगों की जनगणना करवाई जाए, ओबीसी का कॉलम उसमें जोड़ा जाए, क्रिमिनल की हमें वो जो है संवैधानिक वर्ड है उसको खत्म किया जाए और हमारे लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए और हमारे नित नए हमारे लोगों पर जो झूठे मुकदमे करवाए जाते हैं और हमारे लोगों को जो अन्याय अत्याचार किए जाते हैं उनके पक्ष में हमने ये आज ज्ञापन देकर अवगत करवाया कि ओबीसी की जो है ताकत है वो आने वाले समय में सरकार ने अगर हमारी बातों में गौर नहीं किया तो ये तमाम ओबीसी जो वर्ग है वो सड़कों पे उतरेगा। अगर ओबीसी वोट देना जानता है तो वो सत्ता छीनना भी जानता है।